बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है। मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। मैं समझती हूँ कि जैसे हम लोग पुरुषार्थ करते हैं तो जैसा बाप है वैसा बेटा होना चाहिए, ताकि लोगों के मुख से सुते ही निकले ये तो संपूर्ण निर्विकारी है। न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। बिल्कुल इसी तरह से आज के सभा में हमारे जो सभी भाई आए हुए हैं, बनारस से आए हो चाहे कहीं से भी आए हो, सभी को देख के मन में खुशी होती है। तो सच बच बाप का वरदान निर्विकारी बनने का इन्होंने कैसे अपना लिया सुतह। परंतु एक बात, परंतु कहने से आपको संशय होगा, परंतु फिर क्यों कहती हूँ, परंतु ये जरूर कहने में आएगा। तो जैसे बाप ने हम सबको लक्ष्य पक्का दिया है बाप समान बनने का, वैसे ही आज जो हम लोग कहते हैं संसार में स्वर्ग कैसे होगा, सारे विश्व में शांति होनी चाहिए, सारा संसार दुखी है, आज सुखमय संसार बनाना चाहिए, होना चाहिए, होना तो तब होगा जब हम सब मिलके वो काम करेंगे। तो हमको तो सच बच इनको देख के ये संकल्प जरूर आता है। मैं संकल्प बताती हूँ, माने या न माने, मानेंगे जरूर क्योंकि हमारे भाई है। तो जितने भी, अगर जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम सब बच्चों को आप समान बनाने का पूरा लक्ष्य दिया, तो बाप के लिए पूजा में भी कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुम विकारों में क्यों जाते हो। तो जहां तक हमारा अनुभव है तो उसी टाइम कान में आवाज सुनते ही हम चाहे छोटे थे कभी नहीं सोचा तो 50 साल के बाद ब्रह्मचारी रहेंगे। जैसे आजकल के संसार में किसको समझाओ तो कहेंगे अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो जवान है, 50-60 साल के बाद वानप्रस्थी लेनी चाहिए, निर्विकारी बनना चाहिए। तो मेरे को याद है कहीं जब हम छोटी थी, कईयों को मैंने कहा होगा तो 50-60 साल की आयु आपने लिख के रखी है क्या, या परमात्मा ने आपको लिख के दिया है क्या, तो 60 साल बीच में भी शरीर छूट सकता है। तो जब श्रेष्ठ बुद्धि मिले तो तुरंत शुभम शीघ्रम कहा जाता है। तो हम तो जरूर ये समझेंगे, आशा भी रखेंगे। तो सचमुच संसार को स्वर्ग बनाने का साधन हमारे सब भाई सन्यासी जरूर है। अगर अपने जितने, मैं समझती हूँ लाखों तो फॉलोअर्स जरूर होंगे इन्हों के पास, होंगे ना, लाखों होंगे जरूर। और उन लाखों को अगर ये संपूर्ण निर्विकारी बनाने के पूरे ट्रेनिंग दे के, और जिससे भी पूछे कहे हम तो निर्विकारी है, लाखों, तो आप समझ सकते हो अगर इन्हों के सब के फॉलोअर्स कहे, शिष्य कहें, जो भी कहो, भक्त कहे, सब लाखों के लाखों अगर आज संपूर्ण निर्विकारी बन जाए तो संसार को स्वर्ग बनना अथवा सारे संसार को सुखमय बनने में देरी लगेंगी क्या? बिल्कुल देरी नहीं लगेंगी, देरी है ही नहीं। क्यों को कहावत है, जब अति होती है अति में सदगति होती है। जब अति किसी भी प्रकार की हो जाएंगी तो उसको कोई भी लेसन आप दो तो झट मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे सन्यास क्यों आता है, मन में वैराग क्यों आता है, दुख की रेखा आती है तो मन में वैराग आता है, छोड़ो तो छूटो। भले हम ये नहीं कहेंगे तो इन सब को इसी कारण से छोड़ना पड़ा, ये तो संस्कार अपने अपने है। भारत को श्रेष्ठ बनाने का एक सैंपल बनाने के लिए इन्होंने सचमुच कैसे सन्यास कर लिया, वो भी बाप जाने और ये बेटे जाने। तो कैसे इन्हों को वैराग आ गया, हम पवित्र रहें, योगी रहें, भले ड्रेस कोई भी हो, तो सैंपल्स तो हो गए ना। आज दूर से भी रास्ते चलते हुए पहचाने न पहचाने, इन्हों को कोई देख लेगा तो मन में आएगा नमस्कार करें। क्यों, दुनिया सारी घूमती रहती है,
दुनिया में लखपति लोग घूमते रहते हैं, तो लखपतियों को कोई नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा, पैर नहीं छुएगा, सिर नहीं झुकाएगा, लेकिन ये बिगर कोड़ी के बादशाह है, बिन कोड़ी बादशाह जिसको कहे, दूर से ही कोई देखेगा, अनजान आदमी, जाने न जाने कैसा भी विकारी हो, चाहे कैसा भी करोड़पति हो, इन्हों को दूर से देख के प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम, क्यों? इन्हों की ड्रेस पवित्रता की निशानी है, इन्हों की जीवन पवित्रता की निशानी है। शब्द जो कहते हैं सन्यासी, किस चीज का सन्यासी? संसार तो छोड़ा ही नहीं है, संसार में तो बैठे आराम से, बंगलों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, खाते हैं पीते, भाई खाते पीते हो ना सभी, खाते हैं पीते हैं, और ही जास्ती गृहस्थियों से आराम में रहते हैं, फिर भी इन्हों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि सबके बुद्धि में ये है, ये निर्विकारी पार्टी है, इन्हों में विकार नहीं है। तो मनुष्य की पूजा शरीर की नहीं होती है, परंतु संस्कारों के अथवा श्रेष्ठ कर्म की पूजा होती है। तो देखते ही दूर दूर से भावना शुद्ध आ जाएंगी और दिल होंगे इसको गुरु कर ले। क्यों गुरु करे? क्योंकि कहावत है गुरु करे आप समान। अगर इनको हम गुरु कर लेंगे, लोग जो समझते हैं, तो हम भी ऐसे सन्यासी बन जाएंगे। परंतु हम अगर पूछे और इन्हों को अनुभव है, तो सारे शिष्य गुरु ऐसे जैसे नहीं बन सकते हैं। हाँ, एक बात में बन सकते हैं, गेरू कपड़ा नहीं पहनेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ, तो जैसे बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम लोगों को आप समान बना दिया, एक एक से अगर कोई पूछे, भले ग्रस्त में रहता है, बिजनेस करता है, ऑफिसर है, कोई भी प्रकार का धंधा हो, तो भी उनसे पूछेंगे, अगर रेगुलर क्लास स्टूडेंट होगा तो उसे पूछताछ करने से पता लगेगा निर्विकारी है, भाई काम क्रोध लोभ मोह में नहीं जाता है, ये पक्की बात है, ये गारंटी हम सब की है। क्यों? कि हम सबका चार्ट लिखवाते भी है और पूछते भी है, बिना पूछताछ चार्ट के मैं तो समझती हूँ मधुबन में भी मुश्किल अलाव करते हैं। तो अगर ये हमारे सभी भाई सारे विश्व को स्वर्ग बनाने अथवा श्रेष्ठ बनाने, सुखमय संसार बनाने का जो इनों के ऊपर जवाबदारी है, तो अपने सभी जितने भी फॉलोअर्स है उनको भी अगर ये लक्ष्य पक्का दे, तो मैं तो समझती हूँ गारंटी है इनों के भाग्य से सारा संसार सुखमय बन जाएगा, पक्का गारंटी है ना, बराबर ठीक कहती हूँ ना भाई? हाँ, आप सभी ने दुआएं दी और प्यार से की सेवा, दादियों ने तपस्या की, पाए हम सब मेवा, आप सभी ने दुआएं दी और प्यार से की सेवा, दादियों ने तपस्या की, पाए हम सब मेवा, तो आपसे पाया प्यार इतना शुक्रिया मनानी है, दादी आपसे पाया प्यार इतना शुक्रिया मनानी है, करते रहे पूरी हर आशा हमने था।